नमस्कार पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है। यहां जिला मुख्यालय पर दो बस स्टैंड बनाने की स्वीकृति मिल चुकी है। नया बस स्टैंड बनने के बाद पुराना बस स्टैंड हीवी चार्जिंग प्वाइंट के रूप में तब्दील हो जाएगा। जिला मुख्यालय पर शहर के बीचों बीच जीटी रोड पर बस स्टैंड है। आगरा रोड और पुल के नीचे नए बस स्टैंड बनने के बाद इसको इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग प्वाइंट के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे कि भविष्य में यहां से इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जा सके। शहर के बीचों बीच स्थित बस स्टैंड पर जगह कम होने के चलते बसें भी अंदर खड़ी नहीं हो पाती हैं। बाहर खड़ी करने से रोड पर जाम लग जाता है। शासन से आगरा रोड और जीटी रोड पर दो नए बस स्टैंड स्वीकृत हो गए हैं। नए स्टैंड बनने के बाद इस स्टैंड को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्वाइंट के रूप में विकसित किया जाएगा। यह निर्णय शहर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। इस योजना के तहत पुराने बस स्टैंड से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा सकेगा। यह न केवल शहर के यातायात को सुधारने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरण को भी संरक्षित करने में योगदान देगा। शहर में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होने से यात्रियों को स्वच्छ और सुरक्षित यातायात की सुविधा मिलेगी। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक नरेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि भविष्य में शहर से आसपास के प्रमुख कस्बों व ऐतिहासिक स्थलों तक इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। उस समय यहां पर इनको चार्ज किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट एटा, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीपीडी खबर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।